प्लेन ट्रेडिशनल इंग्लिश फ्रूट ट्राइफल हम बना रहे हैं आज फ्रूट कॉकटेल के साथ। आप बनानास डाल सकते हैं, एप्पल्स डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। फिर हम डेकोरेट करेंगे चेरीज़ के साथ, एंड देन वी गॉट स्ट्रॉबेरी एंड बनाना जेली ऑल्सो रेडी है, केक भी यहाँ रेडी है। सो हम उसको झटपट असेंबल करेंगे और ये शेफ़ मुझे आज हेल्प भी करेंगे। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कोई भी बोल ले लीजिएगा जो इस तरह का क्लियर बोल हो, उसमें आप केक रख दीजिएगा। मैंने ये मार्बल केक बनाया था, उसको अपने क्यूब्स करके नीचे बिछा दीजिएगा, साइडों पे भी आप रख सकते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू पुट सम लिक्विड मॉइसन करने के लिए, केक को मॉइसन करने के लिए कुछ भी आपको इसके अंदर रखना है, फ्रूट सिरप हो, मिल्क हो। ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर दूध या फ्रूट सिरप रख देंगे। ये मेरे पास यहाँ जो फ्रूट है उसी में जो सिरप है वही हम डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा केक भी मॉइसन हो जाए। फ्रूट भी डाल देंगे और इसमें हम जेली डाल देंगे जो कि है स्ट्रॉबेरी की। एक कप गर्म पानी में मैंने स्ट्रॉबेरी जेली के क्रिस्टल्स डाल के उसको सेट कर दिया था, नॉट मोर देन वन कप। फिर इस तरह आप उसके क्यूब्स काट सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर कस्टर्ड बनाना है। सो फॉर कस्टर्ड आई हैव गॉट दिस कस्टर्ड पाउडर, जिसमें हम पहले से थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के उसको घोल देंगे और शेफ़ मुझे हेल्प कर देंगे टू मेक दिस, ठीक है। पहले तो हम दूध रख देते हैं, ये वाला दूध ले लीजिए, उसको गर्म कर लेते हैं। फिर उसमें हम चीनी डाल देंगे एंड वी गॉट इनका ही ये बेकरोमा वनीला फ्लेवर। जी जी जी, फ्लेवरिंग डालेंगे डालेंगे हाँ सर। उसके बाद हम वेनिला फ्लेवर भी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर ही पूरा कस्टर्ड आ जाएगा और व्हिप का क्रीम आ जाएगा। चेरीज़ के साथ डेकोरेट कर देंगे, इनके चॉकलेट ड्रॉप्स भी हैं, आप उसके साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम चॉकलेट सॉस, कैरमल सॉस, वट एवर यू वॉन्ट ऑन टॉप एज वेल। ओके जी, दूध में उबाल आ गया है, कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोला था। अच्छा जी, गाढ़ा हो गया है हमारा कस्टर्ड, हम निकालते हैं उसको, उसमें हम एसेंस डालते हैं। फ्यू ड्रॉप्स, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम जेली के ऊपर डाल देंगे एंड इसको फ्रूट कॉकटेल के साथ, जेली के साथ, केक के साथ बिल्कुल चिल करेंगे। फिर हम विप की क्रीम यहाँ बीट करेंगे और उसके ऊपर पूरी लेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आप इसको ठंडा कर दीजिए, तो हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, चिल किया हुआ है ये, तकरीबन 300 ग्राम तक हम क्रीम ले लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला बीटर नहीं हो हमारे व्यूअर्स के पास, तो हैंड बीटर के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस हैंड बीटर के साथ आपको ये ख्याल रखना है कि छोटे बाउल के साथ काम करें और थोड़ा जो है वो डीप बाउल हो, ऐसा ना हो बड़ा बाउल ले लें आप, थोड़ी सी क्रीम हो तो वो बीटर में आएगी नहीं। इसको कितनी देर के लिए आप लोग बीट करते हैं? 5 मिनट के अंदर क्रीम भी हो जाती है, ठीक है। कम रफ्तार में पहले हम क्रीम को अच्छे से फुला लेते हैं, अच्छे वॉल्यूम पे आ जाती है, तो फिर ज्यादा स्पीड के अंदर हम क्रीम को अपने हिसाब से टाइट कर लेते हैं, स्टिक पे ले आते हैं। और इसमें बिल्कुल चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है? चीनी डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट क्रीम, ठीक है। फ्लेवर के लिए आप प्यूरीज वगैरह डाल सकते हैं, सॉसेज डाल सकते हैं, जैसे कि बेक हाउस के सॉसेज मौजूद हैं यहाँ पर, कैरमल सॉस है, चॉकलेट सॉस है, स्ट्रॉबेरी सॉस है। 20% आप क्रीम के अंदर जो कोई भी सॉस डालकर इसको फ्लेवर कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट में इतनी अच्छी विप क्रीम विप हो गई है, लुक एट दिस। अब कस्टर्ड ज़रा ठंडा हो जाएगा तो उसको निकालते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं एंड देन द क्रीम एज वेल। दैट्स ग्रेट, चलिए।
नॉर्मली हम जब कस्टर्ड बनाते हैं और ठंडा करने रखते हैं तो हम इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिंग फिल्म रख देते हैं ताकि इसके ऊपर ये दूध की जो फिल्म सी बनती है वो नहीं बने. दिस इज़ डन, इट्स नाइस एंड चिल्ड. इसके ऊपर आप पूरा स्प्रेड कर दीजिए, पूरे लेयर्स नज़र आएंगे, क्लियर बोल होगा तो. और फिर आप उसके ऊपर ये व्हिप्ड क्रीम डाल देंगे. स्पैचुलास भी इनके पास हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं जी, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने भी कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो मैं अपने शो पे फिर इस्तेमाल करूँगी और आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाऊँगी. सो यू हैव टू वेट एंड सी फूड डायरीज. चलिए जी, क्रीम भी डाल दूँ उसी से. ये देखें कितनी अच्छी क्रीम व्हिप हो गई है. वी डोंट एक्चुअली नीड एनी स्टिफ पीक्स. स्टिफ पीक्स अगर आपको चाहिए भी हो, नॉजल में अगर आपको पाइपिंग बैग में डालनी हो, यू कैन इवन डू दैट. इतनी अच्छी है, हो गई है. अब हमें इसके ऊपर बस स्प्रेड कर देना है. स्प्रेड कर दीजिए, पूरे लेयर्स नजर आने चाहिए. नीचे केक है, फिर फ्रूट है, कस्टर्ड है, जेलीज हैं. इतना लाइट ये क्रीम है. और अब ये आपके सामने, आज तो हमने नेचुरल डेयरी फ्लेवर यूज़ किया हुआ है. दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट, समथिंग नाइस एंड डिफरेंट, समथिंग न्यू. आई होप ये दुकानों में आ जाए जल्दी से. ये मिल जाता है माशाल्लाह, ताकि फिर हम हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद है. ठीक है, ग्रेट. बस इसको हमें चिल करना अच्छा सा है, राइट. चिल नहीं किया होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर ये बीट नहीं होगा. और बीटर और बोल साफ होना चाहिए ताकि अच्छी तरह ये व्हिप हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, इसको हम डेकोरेट कर देते हैं ग्लेज चेरीज बेक हाउस की जो है उसके साथ.